मुझे एक और लड्डू दो ना। कहाँ से लाऊं बेटा, जितने थे वो तो मैंने दे दिए, अब दूसरे कहाँ से लाऊं। हाँ ले भाई ये ले ले। विजय ये पनौती भाई के हाथ का नहीं खाना खाना है। तुम्हें हजार बार बोला है ना कि तेरा झूठा खाना भाई को मत देना। माँ तुम भाई को इस तरह से क्यों डांटती हो? पता है माँ हमारे स्कूल में हमें राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी, अब इसका कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, वरना राजेश विजय के हर काम में टांग अड़ाएगा। अगर मैं उससे बोर्डिंग में नहीं भेजूं, तो मेरा नाम कंकु नहीं। आज तय कीजिए कि मैं इस घर में रहूं या जाऊं। अरे पर हुआ है क्या वो तो बोलो। या तो इस घर में राजेश या तो मैं कहा बच्चे को बाहर निकालने के लिए बोल रही हूँ। बोर्डिंग में रखाते हैं ना, उसके समान बच्चों के साथ रहेगा तो ध्यान देकर पढ़ाई भी करेगा, बाकी दोनों को साथ में रखेंगे तो दोनों बिगड़ेंगे। मैं कल ही राजेश को हॉस्टल में छोड़ आऊंगा। ले बेटा खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। झूठी जिद मत करना बेटा, सच में राजेश पनौती है। लेकिन सब लोग तो बड़े भाई को बहुत अच्छा कहते हैं। तुझे पता नहीं है ना, इसलिए उसके जन्म के साथ ही माँ मर गई, तेरे बापू भी मरते मरते बच गए हैं। मगर ये सब तुझे कहकर कुछ फायदा? तू कहाँ तेरी माँ की कुछ सुनता है? क्या बात कर रही हो? वही तो मैं तुझे समझाना चाहती हूँ। वो अगर यहाँ पे रहेगा तो तेरे पिताजी कुछ भी लाएंगे वो अपना हिस्सा निकालेगा, उससे अच्छा वो वहाँ पे रहेगा तो सारी चीजें मेरे बेटे की हो जाएगी, फिर मैं मेरे बेटे के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगी, लड्डू हलवा बर्फी वगैरह वगैरह। मगर तू राजेश की चिंता क्यों कर रहा है? वो थोड़ी ना तेरी चिंता करता होगा। अरे वो तो कप का खा पी के सो भी गया होगा। ले बेटा फटाफट खा ले। अब तो मेरी बात तेरे को समझ में आ गई ना कि राजेश सच में पनौती है? हाँ माँ। ओ मेरा लाडला बेटा बहुत प्यारा है। हाँ चलो सो जाओ। हाँ बेटा पिताजी। अरे बेटा तू? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे ही चिट्ठी लिख रहा था। अरे पिताजी मैं तो कल ही आने वाला था, पर नई नई नौकरी है ना इसके लिए थोड़ा काम ज्यादा है। बेटा तेरी तबीयत का ध्यान रखना, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। मेरी फिक्र मत करना, आपके आशीर्वाद से यहाँ तक तो पहुँच गए। बेटा अभी तक मेरे मन में ऐसा होता था कि बिन माँ का बेटा कहीं अच्छा इंसान बन पाएगा, पर अब तुझे इस वर्दी में देखकर मुझे खुशी होती है। मुझे लगता है कि तेरी मरी हुई माँ ने ममता की कोई कसर नहीं छोड़ी।
माँ ने विजय के भले के लिए मुझे शहर पढ़ने भेज दिया, पर विजय तो पढ़ नहीं पाया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है पिताजी। बेटा, तेरी सौतेली माँ के स्वभाव के कारण तुम्हारी राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी टूट गई। पूरे गांव को उस बात का अफसोस है। कोई बात नहीं, उसके सर पे जिम्मेदारी आएगी तो सब समझदारी आ जाएगी। पर वो गया कहाँ? गांव के जंगल में या किसी के खेत में बैठा होगा। ठीक है, मैं उसे मिलकर शहर चला जाऊंगा, फिर छुट्टी मिलेगी तो आऊंगा। ठीक है बेटा, आते रहना। आता। लो विजय, तेरा बड़ा भाई आ गया। एक पैक दे उनके स्वागत के लिए। लो पियो। चल तेरी ये फालतू गिरी बंद कर दे और तू चल मेरे साथ। ए सोन, भाई को दारू पीने की आदत नहीं है, इन्हें चाय पिला। चाय तुझे ये शोभा नहीं दे रहा। हमारे खानदान की मान मर्यादा का ख्याल है कि नहीं? अबे तो तुम मर्यादा भूल रहे हो बड़े भाई। मेरी महफिल में आने वाला थोड़ा चना में तो लेके ही जाता है। लो भाई लो, विजय भाई का मान रखना पड़ेगा, असली है और पहली बार का भी है। शट अप! अरे तुम ही लोगों ने विजय की जिंदगी बिगाड़ दी है। बड़े भाई रुक क्यों गए? उठा उठा मार। नहीं बड़े भाई, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा मूड बिगड़ जाएगा। मूड? अरे मूड तो तेरा अभी बिगड़ेगा। हट कायर, ध्यान रखना इन लोगों के साथ तेरी जिंदगी ना बिगड़ जाए। चल चल घर पे चल चल। हट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या प्रोग्राम है आज का? आज सिटी स्टेडियम पर पुलिस बंदोबस्त की जरूरत है। कोई खास प्रोग्राम? हाँ। है कितने बजे? रात को 9 बजे। रमनी हूँ
तीर चलाऊं, नाचूं और मैं तो दुनिया को नचाऊं, नाचूं और मैं तो दुनिया को नचाऊं। इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती है? पहले तो मुझे कोई दूसरी लड़की लगी, पर जैसे ही नजदीक आया तब मुझे पता चला कि आप तो सही। मैं तो कॉलेज में भी हिस्सा लेती थी ना। हाँ, अब स्टेट लेवल में भी कंपटीशन में हिस्सा लेती। स्टेट लेवल पे? वेरी गुड। मगर आप कब से इंस्पेक्टर बन गए? लगभग 2.5-3 साल हो गए। हाँ, बीकॉम होने के बाद डायरेक्ट ट्रेनिंग में चला गया था। हाँ बराबर, मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तब आपका लास्ट ईयर चल रहा था। उसके बाद आज मिले और वो भी अचानक। हाँ तो मैं चलता हूँ। चलिए ना, खाना खा लीजिए ना। हाँ पर देरी हो जाएगी। पहली बार घर आए हो, क्या मेरी बात नहीं मानोगे? ठीक है, चाय पी लूंगा। चलो। ओके थे। क्या कहा? वो वहां से निकल गई है? ओके ओके, प्रोग्राम कैसा रहा? अच्छा था? गुड। हेलो पापा। अरे बेटा तू आ गई। हाँ। कैसी है? ठीक हूँ पापा। थिएटर में फोन किया था। अच्छा? हाँ? पापा ये है इंस्पेक्टर राजेश। हेलो, बैठिए। कम आइए, बैठिए, बैठ। अरे सीता, आज शो में बहुत पब्लिक थी। थिएटर के मैनेजर से मैंने फोन पे बात की। हाँ पापा, राजेश ने मेरी बहुत मदद की। सीता का फैन क्लब बहुत बड़ा है। पर माफ करना साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप धंधे में इतने व्यस्त होने के बावजूद सीता की ट्रेनिंग कैसे की? आपने दोनों तरफ बहुत मेहनत की है। वो तो ऐसा है ना भाई कि कलाकार को कोई बनाता नहीं, खुद में ही कला विद्यमान रहती है। नो डाउट, सीता मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मैंने इसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहने दी। सच में सीता का प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। अरे मैं तो भूल गई, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। ये लो। हाँ, ये भी सर के टेबल। हाँ, पे रख दो। हाँ? गोरा गोरा गोरा, ओ, ये तो राम जी है। हाँ छोरा। हाँ? एक खुशी की बात है, अपने बीच में आने वाला एक साल का सेपरेशन का बोर्ड हट गया। मतलब? यानी कि मैं इस कॉलेज की परीक्षा में लास्ट ईयर में तीसरी बार फिर से फेल हुआ हूँ। ये तो दुख की खबर है। अरे पागल, ये तो सुख के समाचार है। प्यार में पास होने के लिए कॉलेज में ना पास होना ये तो बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं इतने साल तक फेल होते होते तुम्हारे प्यार के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर ये साल पास हो गया होता ना तो मुझे कॉलेज छोड़नी पड़ती थी और फिर मैं तुम्हें कहाँ से मिल पाता। तूने अगर मुझे कहा होता तो मैं इस कॉलेज की नौकरी छोड़कर तू जहाँ होता मैं वहाँ मिलने आ जाती। नहीं हो सकता, तू नौकरी छोड़ेगी और मुझे मिलने आएगी तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। उससे अच्छा फेल होकर मैं कॉलेज ना छोड़ू और तुझे भी नौकरी छोड़नी ना पड़े और मुझे छोकरी ना छोड़नी पड़े। तो इसीलिए छोड़ छाड़ बंद और छेड़ छाड़ चालू। बट डार्लिंग, ये ऑफिस है, अगर प्रिंसिपल ने देख लिया ना तो मुझे ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें ये पूरी कॉलेज छोड़नी पड़ेगी, समझा? ओह, तो फिर मैं छेड़ छाड़ कहाँ करूँगा? छेड़ छाड़ करने के लिए। हाँ। मिलना मुझे अपने उस गार्डन में।
लेकिन डार्लिंग सिर्फ हाथ हिला के बताना, अपने मिलन में मजा आ जाए ना, ऐसा अच्छा केक लेकर आना। केक? हाँ केक। केक? हाँ बाबा केक। मुझे लगता है कि तुझसे शादी करने के बाद मुझे बेकरी खोलनी पड़ेगी। अभी देखना, केक मिलेगा तो केक लेके आऊंगा, वरना कोई ना कोई मिठाई लेके आऊंगा। हाँ चलेगा। हाँ हाँ हाँ, अब थोड़ा सा मेरा मुंह भी तो मीठा करवा दो। क्या है नया लक्ष्मीदास, आज बाप बेटा एक साथ? तू भी दोस्त छोटे बच्चे जैसी बात कर रहा है। मैंने तुझे फोन पे बात तो की थी, सीता के लिए मैंने एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रखा है। ऐसी सेवाभावी संस्था तूने कब खोली? बच्चे बड़े होते तो बाप की नींद हराम होती है, तो इसीलिए हम लोगों को नजर तो रखनी पड़ेगी ना। पर तुझे किसकी शादी की चिंता है? क्यों, तुझे ये रवि नहीं दिख रहा है? मैं और सीता एक ही कॉलेज में है। वैसे भी हम दोनों बराबरी के हैं, तेरी भी एक लौती सीता और मेरा भी रवि। तेरी बात बहुत सही है, पर सीता ने लड़का देख रखा है। वो भला कौन है? राजेश शाह करके पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसके खुद के रहने के ठिकाने नहीं है, उससे शादी करवाएंगे। अरे उसके पगार से तो सीता की गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं निकलेगा। पर राजेश को घर जमाई रखना होगा ना। मैं तो एक मित्र की तरफ से फर्ज निभाने उसके लिए धन्यवाद। फिर भी आपकी तरफ से हम शुभ संदेश का इंतजार करेंगे, शायद आपका विचार बदल भी जाए। चलो तो फिर मैं चलता हूँ। ओके ओके, नमस्ते अंकल। धोबिया 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 धोवे कपड़ा, धोबिया धोवे कपड़ा, सारी सारी उमरिया। अरे धोबी भले ही धोए, पर तू पूरी जिंदगी इसी तरह धोते मत रहना। अबे भाई तू अच्छी सी चाय बनाना। हाँ हमारे खानदान में तो सात पीढ़ी से अपने हाथ से ही कपड़े धोने का रिवाज है, पर तू ये कड़क चाय बनाने में ही मत रह जाना। हाँ अरे मैं अगर चाहूँ तो शाम तक एक लड़की लेके आऊँ। अच्छा शाम तक छोकरी लेके आएगा? हाँ। भाई तू एक लुंगी तो ला नहीं सकता, ये चद्दर ओढ़ के मुझे चलना पड़ता है। और तू लड़की लेके आएगा? हाँ। ना तो शादी करके नहीं लेके आएगा, ये तू पुलिस में है ना तो किसी गुनेगार को पकड़ के लेके आएगा। हाँ। अरे भाई जमुना दास है। अरे आओ आओ रणवीर सिंह, आओ एसपी साहब, किसे गिरफ्तार करने आए हो? सीता की। हाँ? क्यों ससुराल नहीं भेजने अभी उसे? आओ यार बैठ बैठ बैठ। अरे भाई तूने ही एक दिन बोला था ना कि कोई अच्छा लड़का होगा तेरी नजर में तो बताना। पर तू लेट हो गया यार, सीता ने खुद ही लड़का ढूंढ लिया है। पसंद भी कर लिया? क्या धंधा करता है? बस तेरे जैसा ही है। मेरे जैसा मतलब क्या? पुलिस खाते में? अच्छा क्या नाम है? राजेश के शाह। इंस्पेक्टर राज। क्या हुआ? अरे यार तुझे और कोई लड़का नहीं मिला? क्यों 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 क्या? मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया ना तूने। अरे पर बात क्या है वो तो कह। अरे पागल मैं उसी लड़के की बात करने आया था। बहुत टाइम से मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, मगर ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। कोई खास बात है? आजकल मुझे रोज एक सुंदर सपना आता है, उसका क्या कारण होगा? पर ये बात मुझे क्यों पूछ रही हो? हाँ मगर पूछने लायक कोई होना तो चाहिए। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। क्यों? मेरा भाग्य तो आप हो राजेश, रात दिन बस वही सपना, एक ही विचार। तू मेरी इतनी इज्जत कर रही है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर धरती पे रहने वाले इंसान आकाश की ओर नजर उठा के तो देख सकते हैं, पर वहाँ पहुँच नहीं सकते। मैं कुछ समझी नहीं राजेश। सीता कहाँ तुम और कहाँ मैं? तू एक लाडली बेटी, भव्य बंगले, सानो शौकत, ये सब। राजेश मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहूंगी, मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं। अभी तू प्रेम के आवेश में ये बोल रही है, पर जब समय कसौटी करेगा तब पीछे तो नहीं हटेगी ना। आज मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत ही सोच समझ कर कह रही हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी की डोर आपके हाथ में दे रही हूँ राजेश। तू मुझे इतना चाहती है, शायद यही मेरा नसीब है, पर अपने विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। तुझे घूमना फिरना पसंद है और मुझे नौकरी, मेरी नौकरी सरकारी है और वो भी इंस्पेक्टर की। कभी समय मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं अभी से
आने वाले समय का इंतजार करूंगी। मैं तब आपको सहमति दूंगी। मैं आपको समझ सकूं ऐसा मैं विश्वास देती हूं। कोई पागल पंछी इस तरह हवा में उड़ता होगा, वैसे ही तेरा मन उड़ रहा है। पागल प्रेमी होते हैं पागल, प्रेमी होते हैं पागल। दुनिया दीवानी दीवानी है, ओ कितने प्रेमियों को मंजिल मिली है, कितने प्रेमियों को मंजिल मिली है। धड़के जो बन मेरा बस में नहीं, जो बन मेरा बस में नहीं। वो तेरी यादों के सहारे बीते जाए दिन, ओ प्रीत से है दुनिया, प्रीत से है दुनिया। कितने प्रेमियों को मंजिल मिली है। कटारी लागे भारी, प्रीत कटारी लागे भारी। प्रीत में ये दुनिया दीवानी, प्रीत में ये दुनिया दीवानी। है बलिहारी एक चिंगारी, है बलिहारी एक चिंगारी। प्रीत से है दुनिया सारी, प्रीत से ये दुनिया है सारी। पर प्रेम की मंजिल मुश्किल है, ओ कितने प्रेमियों को मंजिल मिली है। प्रीत से है दुनिया, प्रीत से है दुनिया। दिल की रानी तू दिल जानी,
दिल की रानी तू दिल जानी, हो जाए हम आजा एक दिल एक जा, हो जाए हम एक दिल एक जा। हम दोनों तो प्रेम दीवाने हैं, ओ प्रीत के रंग में दोनों रंगे हैं, प्रीत के रंग में दोनों रंगे हैं, प्रीत के रंग में दोनों रंगे हैं। अच्छा हुआ राजेश कि तूने शहर में मकान ले लिया है। तू शादी करेगा तो घर कैसे चलेगा? तू दो घर का खर्चा पूरा कर सकेगा? आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, मैं जब से नौकरी पे लगा हूँ तब से हर महीने पैसे भेज रहा हूँ ना। जानता हूँ तुझे घर की नहीं विजय की चिंता है। तुझे पता है तुझे जितने चिंता है उससे ज्यादा तो चिंता राजेश को है। मैं काली मजदूरी करूँगा, रात दिन मेहनत करूँगा, पर घर में किसी को भी किसी तरह की कमी नहीं रहने दूंगा। और राजेश शादी करेगा तो तुझे भी घर के काम से फुर्सत मिल जाएगी ना। अरे लेकिन अच्छे घर की लड़की आएगी तो घर का काम करेगी ना। हाँ मगर कोई अल्लड़ सी लड़की आ गई तो फिर घूमने से ब्यूटी पार्लर से बाहर आएगी तब ना। पर राजेश तू किसकी बेटी की बात कर रहा है? अपने बाजू वाले गांव के मुखी अर्धार सेठ की बेटी सीता जमुना दास की। अरे उनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। क्या बात? हाँ। और अगर तू उनको मिलेगा तो कहना कि मैं बहुत जल्दी मिलने के लिए आ रहा हूँ। सेवाराम तुमने कॉलेज के लास्ट ईयर में 3-3 साल तक फेल होके रहे, उसके बदले में कॉलेज की तरफ से ये सम्मान पत्र दिया जाता है। माननीय प्रिंसिपल साहब खूब खूब आभार और बहुत सारा धन्यवाद। लो अब पढ़ भी लो। मेरी प्रशंसा पढ़ने में मुझे संकोच हो रहा है, फिर भी विनम्रता से मैं अपना तारीफ का पत्र पढ़ता हूँ। प्रति व्युत सेवाराम ज्येष्ठाराम लाकड़ी वाले को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हमने इस कॉलेज से निकाल देने का निर्णय लिया। अब के बाद इस कॉलेज की सीमा पे अपने अपवित्र पाव को दूषित करने के चक्कर में ना आए, ऐसा कड़क हुक्म दिया जा रहा है ये सभी अधिकारियों की तरफ से। प्रिंसिपल साहब जगत में आज तक इंसान को छरी से, चाकू से, तलवार से, पिस्तौल से, बंदूक से, तोप से और बॉम्ब से मार देने का सुना था, यही अखबार में पढ़ा था, पर आपने तो ये शिवाराम ज्येष्ठाराम लाकड़ी वाले को शर्म के एक ही मुक्के से मार दिया। नहीं जी सकता प्रिंसिपल साहब, ये कॉलेज छोड़ के मुझसे नहीं जिया जाएगा, मुझे तो मर जाना ही चाहिए, मर जाना ही चाहिए। हे भगवान, हे प्रेम के देवता, इतने सालों तक आपकी पूजा के लिए और थोड़े से प्रेम के लिए ना पढ़ के फेल हो के कॉलेज में टिका रहा, पर आज उसी कॉलेज वालों ने मुझे कॉलेज से निकल दिया, मुझे हकाली दिया। ये मेरा नहीं, ये आपका अपमान है प्रेम देवता आपका। अभी इस जगत में जीने से अच्छा है कि मैं मर के एक प्रेमी की तरह से अमर हो जाऊं, यही बेहतर होगा। मैं आ रहा हूँ प्रेम देवता, इस पानी के जरिए आपके पास आ रहा हूँ। ओहो, ये तो बहुत गहरा है, गिरते ही जान निकल जाएगी, पर इस तरह से मेरी जान चली जाएगी तो नई बात क्या है। इससे अच्छा प्रेम देवता कोई कम पानी वाली नदी ढूंढो और वहाँ डूब के जान दूँ तो ही मेरे प्रेम की और मेरी चर्चा होगी। थोड़ी सी कम पानी वाली जगह ढूंढ लेता हूँ। हाँ देवता। जय प्रेम देवता। ए भाई यहाँ पे कोई कम पानी वाली नदी है? अरे अरे सेवक, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार मैं आत्महत्या करने निकला हूँ। आत्महत्या? हाँ। अबे तेरी कौन सी नैया डूब गई हो तुझे आत्महत्या करने की जरूरत पड़ी? अरे भाई मुझे कॉलेज से निकाल दिया है। हाँ मैं वही कह रहा था ना। कहता था, पर मुझे अभी कॉलेज के क्लासरूम, कॉलेज की दीवारें, कॉलेज की बेंचेस और मेरे दोस्तों के साथ जो किया गया वो मस्ती वो सब मुझे याद आएगा ना, इसके लिए पहले मर जाता हूँ, इसीलिए मरने जा रहा हूँ। इसीलिए कम पानी की तलाश कर रहा है। हाँ तो गहरे पानी में तो कोई भी मर सकता है,
और कम पानी में जो मरता है वही सच्चा आत्महत्या। ऐसी मूर्खामी मत कर, चल मेरे साथ, मैं तुझे पुलिस में भर्ती कर देता हूँ। पुलिस? हाँ, तो मेरे प्यार का क्या? अरे पुलिस में चल चल। हाँ? अरे चल यार। अरे पुलिस में तो मैं पुलिस हो जाऊंगा। कैसी धर्म संकट है बाबा। राजकोट से आने के बाद बिजनेस में इतना फंस गया कि उस तरफ आने का टाइम ही नहीं मिला। राजेश ने मुझे दो चार दिन पहले ही बताया था कि मुझे तेरे पास शादी की बात करने के लिए आना है। वो जानता नहीं है ना, वो 1.5 साल का था तब तूने कंकु के साथ शादी की और फिर मैं तुरंत अमेरिका चला गया और अब मेरे बेटे की शादी तय करने के लिए मिले हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, पहले हम सिर्फ दोस्त थे और अब अपने बच्चों के लिए हम दोनों संबंधी बन गए हैं। तो दोस्त, अगले महीने शादी पक्की करते हैं। हाँ बिल्कुल। और गांव में से सभी लोगों को ले आना, उस बहाने सबसे मिल तो पाऊंगा। ये तो सेठ जमुना दास की इकलौती बेटी की शादी है। अरे इतने धूमधाम से शादी करवाऊंगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा और लोग सालों तक शादी को याद रखेंगे। दुनिया के सारे तमाम फूल तुम्हारे चेहरे को देख के मुरझा गए। पहले ही दिन कविता लिखने लगे, कहीं कवि बनने का तो इरादा नहीं है? जीती जागती कविता प्रत्यक्ष हो तो फिर कवि की हाजिरी तो वहाँ होगी ना। सच में सीता, धरती पे चांद सितारे उतर आए और धरती पे स्वर्ग तू खुद ही लेके आई है। मन के मंदिर में जब सुनहरा सपना होता है तभी जीवन में पूरा सुख मिलता है। बाकी हम दोनों तो सिर्फ प्रेमियों के अलावा कुछ भी नहीं। प्रेमी हम थे, आज पति पत्नी हो गए और भविष्य में दोनों दोस्त की तरह रहेंगे। आपकी हर एक बात को मैं गांठ बांध लूंगी। हमारे सपनों का जो महल है उसे किसी की नजर ना लगे। तेरे इस महल को कोई नहीं तोड़ पाएगा। इस महल की रखवाली करने की मैं जिंदगी भर कोशिश करूंगा। तुम बहुत सुंदर हो। चाय ठंडी हो जाएगी। चाय? हाँ चाय। तुम्हें चाय बनानी भी आती है? पर कड़क नहीं है। अभी तक अकेले रहकर चाय बनाई है, इसलिए किसी और के हाथ की चाय पसंद नहीं। सच में बहुत कड़क और मीठी चाय बनाता था तुम्हारे जैसी। अब मैं भी सब कड़क तीखा मिर्ची वाला बनाऊंगी, पुलिस वाले की खोपड़ी की तरह। पुलिस वाले के दिमाग को बहुत कड़क और तमतमाता रखना पड़ता है, वरना आज के जमाने के गुनेगार तो हमारे कपड़े उतार देते। क्या उतार लेते? कपड़े। कपड़ा। लेट हो रहा है, जा रहा हूँ। एक मिनट, शाम को जल्द आना। कोई खास काम है? आज मैं पूरी और खीर, नहीं कड़क पूरी और तीखी खीर। ओहो ठीक है, आ जाऊंगा बरोबर 9 बजे। ओके। सेवाराम, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ड्यूटी के पहले ही दिन पे बेवड़े को पकड़ लिया। अरे फिर से दारू का धंधा चालू कर दिया? नहीं साहब, इसमें बिल्कुल प्योर घासलेट है। घासलेट है? घासलेट तुझे दारू दिख रहा है? अब अभी दारू भी घासलेट जैसे ही आने लगा। तू जा। अस्सलाम। अरे घासलेट दारू जैसा बना दिया, पुलिस को छेतर रहे हो, डाल दूंगा 420 के केस पे। मैंने तुझे थिएटर में जाने को कहा था ना? आज मैं गया था। हाँ वहाँ काला बाजारी वाले ने मुझे टिकट दे दी तो वहाँ मैं शराबी की फिल्म देखने बैठ गया। शराबी की? हाँ। इसीलिए तुझे सब शराबी दिख रहे? हाँ तो सही बात है ना। जा अभी दूसरा शो चालू होने वाला है। दूसरा शो चालू होने वाला है। हाँ पकड़ूंगा आज तो बेवड़ा नहीं तो काला बाजारी वाला, सबको किसी न किसी को तो पकड़ ही लूंगा। जा जल्दी जा।
थैंक यू भाई। विजय आओ यार, तुम्हारी राह देख रहा था। नमस्ते, कैसे हो भाई? बैठ बैठ। थैंक यू। आप जितने बड़े लोग हमें याद करें वो तो हमारा नसीब है। अरे छोटा बड़ा छोड़ना यार, हम दोनों दोस्त हैं, क्या चलेगा? रिस्की चलेगा? नहीं नहीं सेठ, मैं दारू नहीं पीता। अरे मुझे पता है तू दारू पीता है, राजेश और सीता की शादी में पीते हुए देखा तुझे। क्या देख रहे हो सेठ? इतनी सारी बोतलें। इसमें क्या है, हमारे यहाँ जो दवा बनती है ना उसके अलग अलग फार्मूलाज हैं, और वो फार्मूला मैं छुपा के रखना चाहता हूँ। किसी को पता चले तो नकल कर लेगा ना यार, इसलिए किसी को पता ना चले इसलिए इस जगह पे काम कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अरे छोड़ना यार छोड़ना यार, ये सब बातें बाद में करना, हम हमारा काम करते हैं। चल लगा। नहीं सेठ। अरे शर्म किस बात की, लगा यार लगा। हाँ ये ले ये बात। चेयर्स। सॉरी सीता, एक जरूरी काम आ गया था, मीटिंग देर तक चली। अरे बाबा भूल हो गए, माफ कर दो तुम, अब दूसरी बार नहीं होगा। प्रॉमिस प्रॉमिस। मगर खाना ठंडा हो जाता है उसका क्या? हाँ, इसके बाद तुम्हें मेरे इंतजार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले संडे पिक्चर दिखाने ले जाओगे? कौन सा पिक्चर? अमिताभ बच्चन का शराबी। शराबी? अरे एक शराबी तो अपने घर में है ना, उसे देख ले। हाँ तो एक काम करेंगे, हम लोग श्री कृष्ण लीला देखने चलते। राजेश हंटर वाली 77। हाँ तो धर्म और कानून, धर्म कानून चलेगा? चलेगा चलेगा, नहीं दौड़ेगा। जोरा जोरा, तू मुझे बहुत याद आ रही है। तेरी याद में मैं दिन रात पूजा कर रहा हूँ और आधा पेट भूखा रहता हूँ। I can't forget जोरा, तू मुझे बहुत याद आ रही है। जोरा जोरा, मेरे धतूरे के फूल जैसी जोरा जोरा, मेरे जोरी बाजार वाली जोरा जोरा, मेरी फूल गोभी जैसी जोरा। सेवाराम। हाजी हाजी। सेवाराम, मैं तुझे कब का बुला रहा हूँ, सुन नहीं रहा और किसी और को याद कर रहा है? वो तो तू शादी कर ली है ना, इसलिए कुवारे का दर्द को तू नहीं समझ सकता है। बाकी मेरे जैसा कुवारा होता ना तो पता चलता कि ये दिन रात कैसे बीत रहे है। शादी करने में कोई मजा नहीं है, पर मुझे तो प्यार का फुवारा उड़ाती हुई जोरा ही दिख रही है। वापस तेरी शादी शुदा जिंदगी देख के मैंने अपने कुवारेपन के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि मैं एक से शादी तो जरूर करूँगा। अरे तुझे खाने का भी समय नहीं मिलेगा, तुझे पता नहीं है कि शादी के बाद तुझे पत्नी के साथ सिनेमा होटल सभी जगह जाना पड़ेगा। अरे मैं तो उसके साथ शमशान में भी जाने को तैयार हूँ, बस एक बार शादी हो जाए। पर नौकरी में से समय मिलेगा तब? नौकरी के लिए जितना समय मुझे ना मिले उतना समय तू मेरी जगह पे ओवरटाइम कर देना। मैं करूं ओवरटाइम? हाँ, बाकी मैं शादी तो करूंगा ही। सेवाराम, ये पुलिस स्टेशन है, तू ऑन ड्यूटी है और मैं तेरा ऑफिसर हूँ। मेरी रजा के बिना तू कहीं नहीं जा सकता। पर ऑफिसर साहब। हाँ जी। थोड़ा टाइम तो देखो, मेरी पुलिस की ड्यूटी खत्म हो रही है और लव ड्यूटी शुरू हो रही है। मैं तो जाऊंगा अभी मेरी जोरा के पास फोड़ा उड़ा दे। हेलो, इंस्पेक्टर राजेश के साथ बात हो सकती है? बोलो क्या काम है? पापा का फोन आया था इसलिए मैंने आपको कॉल किया। यहाँ भी आया था? हाँ, खाने के लिए बुलाया ना। हाँ मगर टाइम पे आ जाना। हाँ, पापा ने शायद आपको ना बोला हो इसलिए मैं कह रही हूँ। तू वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाना, मैं 8:30 बजे पहुँच जाऊँगा। हाँ मगर देर मत करना। नहीं 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 होगा। बाय। लेकिन तू मुझे यहाँ क्यों लाया? देख, जीवन के आखिरी पड़ाव में सब लोग यहीं आते। कौन सब?
सभी मतलब पति पत्नी, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, प्रेमी प्रेमिका, लवला लवली सब यहीं पे आते हैं। लेकिन मेरी ऑफिस में बात करते तुझे क्या चक्कर आते हैं? अरे भाई, तेरी ऑफिस में बात करने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बाद में फर्क पड़ जाता है। और मुझे जो बात करनी है ना, वो तेरी ऑफिस से ज्यादा ये ऑफिस ज्यादा अच्छी है। मगर इस ऑफिस का क्या काम है? देख, तेरा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। तो क्या हुआ? ओह, तेरी उम्र क्या हुई? 20 साल। ये 20 साल हुए लेकिन तेरे अंदर 20 महीने की भी बुद्धि नहीं है। अरे पागल, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। शादी? जल गया सोडियम लाइट। अरे पागल, शादी का नाम लेते ही अच्छे अच्छों के मुँह में पानी आ जाता है। ठीक है, लेकिन शादी का भी? अरे जब तू बोलेगी तब। तिथि बोल, तिथि बोल। तिथि? तिथि में मुझे पता नहीं चलता, मुझे तारीख पता चलती है। हाँ। तो तारीख बोल। मगर कैलेंडर में यहाँ कहाँ से लाऊं? अरे तू घबरा मत। हाँ देख, ये कैलेंडर की पूरी गड्डी में साथ में ही रखता हूँ। हाँ, तू तारीख बोल इसमें से, बोल तारीख बोल। ओ माय डार्लिंग, सेवू। फिर से वापस सेवू? अरे तू सेवा रंग का सेवू मत कर दे, मेरा नाम बिगाड़ मत। देख, मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं फिर से शादी की ना बोल दूंगा। नहीं 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 डार्लिंग, तो 25 अक्टूबर मेरा बर्थडे है। 25 अक्टूबर? हाँ। तेरा जन्मदिन? हाँ। है 25 अक्टूबर। हाँ। ये 24 और ये 25। अरे रे, क्या हुआ? अरे 25 अक्टूबर को तो अमावस है। अमावस? अमावस मतलब? अमावस मतलब 14 का जन्मदिन। उस दिन कोई अच्छा काम नहीं होता है। अरे पर तू सोच मत, तेरा जन्मदिन है ना। हाँ। तो हम कर लेंगे। हाँ। और वैसे भी हमारी शादी कोई थोड़ी ना अच्छा काम होगा। बहुत देर हो गई। हाँ, राजेश अभी तक नहीं आया। फोन भी एंगेज आ रहा है। घर तो हमेशा लेट आते हैं, मगर कहीं बाहर जाना हो फिर भी लेट आते हैं। ये पर तेरा ही घर है ना, देर सवर तो हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर हैं, अचानक काम आ ही जाता है। देख, अभी तो 9 बजे हैं, आ जाएगा। सर, आपको कमिश्नर साहब अंदर बुला रहे हैं। ओके। साढ़े 10 बज गए। पापा आप खाना खा लो, अब उनका भरोसा नहीं कब आएंगे। संतोष, पापा के लिए खाना निकालना। बेटा, तू भी थोड़ा खा ले। नहीं पापा, अब मुझे मूड नहीं है, मैं तो रोज कहकर थक गई हूँ। घूमना फिरना तो दूर की बात है, पर शाम को साथ में खाना भी नहीं खा सकते। अरे बेटा, उसे उसकी नौकरी भी तो देखनी है। देख सीता, अब तुझे धीरे धीरे घूमना फिरना कम करना पड़ेगा। ससुराल में मायके जैसा तो नहीं रह सकता ना। बराबर है पापा, पर महीने में कहीं एकाध बार बाहर तो ले जा सकते हैं कि नहीं? नौकरी तो सब करते हैं। अरे बेटा, थोड़ा दिमाग शांत रख, मुझे मिलेगा ना तो मैं उसे समझा दूंगा बस। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। जैसी तेरी मर्जी बेटा, चलो। चलिए पापा। एक केस के बारे में चर्चा करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अफसोस उसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। कहीं ये नकली दवाइयों का केस तो नहीं है? इंटेलिजेंट माय बॉय, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज इस बाबत से चर्चा करने वाला हूँ? सर, आजकल पेपर में रोज यही समाचार देख रहा हूँ कि अलग अलग शहरों में नकली दवाइयाँ बन रही है और पुलिस इस मामले पे कोई कदम नहीं उठा पा रही है। सही कहा, इसीलिए तो मैंने इतनी देर तक मीटिंग चलाई ताकि जल्द से जल्द हम उस गुनहगारों को पकड़ सके और समाज में कोई पुलिस की तरफ उंगली ना उठा सके। सर, ये फाइल किसको देनी चाहिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे हाथ में, क्योंकि तुमसे ज्यादा होशियार पूरे स्टाफ में मुझे और कोई नहीं दिख रहा है, और इसीलिए आज तुम्हें रोक के रखा था राजेश, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं पर पूरा विश्वास है इस फाइल को तुमसे ज्यादा जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा। थैंक यू सर, आई टू माय बेस्ट, गुड लक। अरे संतोष, देख तो कौन है। राजेश भाई, आप? सीता बहन तो अभी भी है। पापा तो है ना? हाँ है। बुलाओ। अरे बेटा राजेश, बहुत लेट हो गया बेटा, सीता अभी भी तेरी राह देख कर रही है। क्या हुआ ना, एक बहुत जरूरी मीटिंग था, उसी में देरी हो गई। वो तेरी फरियाद कर रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि तू 24 घंटे उसके साथ रहे, बल्कि किसी पार्टी में निमंत्रण मिला हो तो साथ में जाना चाहिए। आज के बाद इसके लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं सुनाई देगी। मैं जाऊं? अरे पर बेटा, सीता इंतजार कर रही है। ओके।
इतने जल्द आ गए, उसके लिए शुक्रिया। मेरी मजबूरी थी सीता, मैं समय से वहाँ नहीं पहुँच पाया। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, फिर भी वो टाइम पे आ गए, जबकि आपको अपनी नौकरी से फुर्सत ही नहीं मिली। सीता, मेरे पिताजी का कोई बड़ा धंधा नहीं, मेरी नौकरी सिर्फ फर्ज की और मेरा जीवन है। इसका मतलब मुझे सुबह शाम आपके सिर्फ दर्शन ही मिलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो भी ठीक है, लेकिन आइंदा अभी किसी को वक्त देकर लेट मत करना। तुम भी, मैं जब बिजी रहूं तो अब बाहर जाने की बात मत करना। ओके ओके। ये बात कैसे हो भाई? मम्मी पापा कैसे हैं? फसलास है। राजेश की क्या खबर है? छोड़ना यार। क्यों? तू तो जानता है यार कि सीता भाभी को बहुत घूमने फिरने का शौक है और बड़े भाई को ड्यूटी में से फुर्सत नहीं मिलती। गलत बात है यार, सीता को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्या थी और क्या हो गई। शादी के बाद भी मेरे साथ? क्या बात है यार, जाने देना यार। नहीं रवि, मुझे बता यार। जाने देना, छोड़ना यार, किसी का विश्वासघात क्या करना। और अभी तो राजेश की बीवी है, हम तो चाहते हैं कि उसका जीवन सुखी हो। ओ यार, भूल गया, तेरे लिए एक फर्स्ट क्लास चेन लाया हूँ, देखा? अच्छी है, थैंक यू। चलो यार, लेट हो गए, चेंज करते हैं। लो चालू हो जाओ यार। चेस। आप बिना कारण की चिंता क्यों कर रहे हो बाबूजी? अभी आपको संपूर्ण आराम की जरूरत है। बेटा, मेरे जीवन में मैंने जो सपने देखे थे उसके ऊपर पानी फिर गया ऐसा लगता है। तेरी शादीशुदा जिंदगी सच कहूं तो नीरस लगती है। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबूजी, संसारी जीवन में मैं सुखी हुई ना। अरे पुत्र वधु आपकी सेवा ना करे तो कोई बात नहीं, मैं अभी बैठा हूँ। राजेश चलो, आज आपको छुट्टी है ना, चलो एक ड्रामा देख कर आते हैं। बाबूजी को बीमार हालत में छोड़ के तू नाटक ले जाने की बात कर रही? विजय भाई और आपके जैसे सेवाभावी बेटे हो तो बाबूजी को चिंता करने की क्या जरूरत है? राजेश, सीता की इच्छा है तो तू उसके साथ चला जा। आपको इस हालत में छोड़ के ड्रामा देखने कैसे जाऊं? बेटा वो अभी नादान है, अभी तो उसका घूमने फिरने का वक्त है। तुझे अगर तेरे पिताजी की जरा भी चिंता है तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे। खामखा इसका मूड क्यों खराब कर रहा है? बहू को सुधारने के बदले तू उसे उल्टी शिक्षा दे रही है। सास तो माँ का दूसरा स्वरूप होती है। तूने विजय को तो बिगाड़ा, अब उसे बिगाड़ने पे तुली है। कौन कहता है मुझे मम्मी ने बिगाड़ा है? राजेश भाई से ज्यादा तो मौज मजा मैं करता हूँ। अभी तो वो दिख ही रहा है, पर तूने कौन सा काम धंधा शुरू किया? अभी तक शुरू नहीं किया है, पर थोड़े टाइम में कर दूंगा। ये चेन किसने बनाया? हा? मेरे पास से तो तूने पैसे नहीं लिए। तेरे दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा है ना भाई, ऑब्वियसली उसकी मेहरबानी। ऑब्वियसली बहुत समय से इस तरफ आने का सोच रहा था, बहुत मुश्किल से आज थोड़ा समय मिला, अच्छा किया। कभी कभी तू भी मेरे घर पर आ जाता हो तो मुझे भी तेरे वहाँ आने में अच्छा लगे। और विजय भी तुम्हारी हमेशा तारीफ करता रहता है। अरे इसे तो आदत है मम्मी, ये तो मेरे नसीब अच्छे कि विजय जैसा मुझे दोस्त मिला। हाँ, बाकी दो दोस्तों का रिश्ता दो भाइयों से भी अच्छा होता है मम्मी, इसलिए तो मुझे बड़े भाई से ज्यादा रवि के साथ अच्छा लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि मम्मी के विजय को भी धीरे धीरे हमारे धंधे में शामिल कर लूँ। अच्छी बात है बेटा, भगवान तुझे हमेशा बिजनेस में सफलता दे। थैंक यू मम्मी। चलो मैं जाऊँ, मुझे ऑफिस जाना है। चलो विजय, मिलते हैं। सॉरी। चलो मम्मी, मिलते हैं। हेलो रवि, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास, थैंक यू। हाउ आर यू? बस चल रहा है। क्या तेरे बहुत टाइम से शोज वगैरह बंद है? राजेश को वो सब पसंद नहीं है। शादी के बाद थोड़ा मर्यादा और बंधन में रहना स्वाभाविक है। हाँ, कुछ बंधन हो तो चला सकते हैं, मुझे तो सिर्फ जेल जैसा लग रहा है। हाँ, राजेश की नौकरी के कारण तुम्हारे घूमने फिरने का समय नहीं मिलता होगा। खाक नौकरी, मैं तो बहुत ही कंटाल गई हूँ। गुड लक।
तुम्हारा संसार सुखद और हरा भरा रहे। चल जाऊं? ओके, मुझे देर हो रही है। अरे मगर चाय नाश्ता किया? अरे नहीं, मैं तो कब का आया था। फिर कभी तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाएंगे, तुम्हें पसंद है ना? चल बाय बाय। सीता स्पीकिंग है। हेलो सीता, बता कौन बोल रही हूँ? अरे बोलना, क्या हाल है? आज मेरी बर्थडे है। अरे हाँ, माय गॉड, जन्मदिन, कॉन्ग्रेचुलेशन डार्लिंग। हाँ, ऐसे फोन पे विश करके नहीं चलेगा, आज तुझे शाम को मेरे घर आना होगा। ओके? मैं ट्राई करूंगी। राजेश को भी साथ में लेकर आना, योर हस्बैंड। ओके, डोंट फॉरगेट। ओके बाबा, जरूर आऊंगी। ओके बाय, सी यू। सीता बेटा। हाँ बेटा, इस तरह इंतजार करने से अच्छा जाकर सो जा, कब तक इंतजार करेगी? ये कैसी नौकरी है माँ, घर में किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। इसमें राजेश का कोई कसूर नहीं है बेटा, इस घर में कोई पत्नी की परवाह ही नहीं करता, उसको तेरी परवाह ही नहीं है, तेरे लिए कोई इज्जत भी नहीं है। नहीं माँ, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, मगर राजेश थोड़ा बेदरकार है। इस घर में तू नई नई आई है, इस घर की परंपरा को समझने में टाइम लगेगा। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा तुझे। मेरी पूरी जिंदगी चली गई, पत्नी को इस घर में घरवाली से ज्यादा काम वाली समझा जाता है। जा, जाकर सो जा, ये बात तुझे अभी नहीं समझेगी। सॉरी सीता, थोड़ा जरूरी काम आ गया। मतलब आ नहीं सकोगे, वही ना, आपको कभी फुर्सत मिलेगी? मुझे क्या पता था इतना अर्जेंट काम आ जाएगा। तो फिर पार्टी में जाने का प्रॉमिस क्यों किया था? मेरी सहेली को मैं क्या जवाब दूँ? जो जवाब मैंने तुम्हें दिया उसमें तकलीफ क्या है? मैं आपकी तरह बहाने बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। कुछ भी करो, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। सीता, मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं आ सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि समय मिलेगा तो ही आऊंगा। आज तो मैं अकेली जाने ही वाली नहीं हूँ, यहीं बैठूंगी। सीता, सीता प्लीज, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये पुलिस स्टेशन है, पब्लिक गार्डन नहीं। देखो, मेरे साथ अभी जोर जबरदस्ती मत करो। ठीक है, आप अपनी नौकरी में आग लगा दो, आपके बिना मेरी सहेली की पार्टी अधूरी नहीं रहेगी। कमाल है, अरे जब देखो तब इधर चलो उधर चलो, और कोई काम ही नहीं है। चल अरे आप यही हो, पार्टी में जाने वाले थे ना? अरे काम ही इतना आ गया कि निकल नहीं पाऊंगा, अभी सीता उठ के गई है। एक काम करो, मैं आपका काम निपटा देता हूँ। नई नई शादी हुई है ना, भाभी को नाराज नहीं करते। थैंक यू, ये देखो। ओके लक्ष्मण राव। थैंक्स अगेन। ओके, कौन सी जात के होटल वाले, पुलिस वाले की साइकिल दूध वाले जैसी कर दिए, चाय में दूध कम डाल रहे और साइकिल में दूध ज्यादा डाल रहे। तू यहाँ क्यों खड़ा? लो, मेरी तो यहाँ ड्यूटी है ना, इस होटल के सामने। हाँ, अच्छा, हाँ। पर आप यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ तो सीता पार्टी में जाने वाली थी। हाँ तो इसीलिए इसीलिए। हाँ अभी सीता भाभी और रविराज दोनों होटल में गए। रविराज के साथ इस होटल में? आज बहुत टाइम के बाद मुझे कॉलेज की लाइफ याद आ गई। क्या दिन थे वो, हम लोग घूमने जाते थे, पार्टी में जाते थे। और अब शादी के बाद तो पिंजरे में बंद हो गई हूँ,
ऐसा ही लग रहा है। सीता, मुझे भी बहुत बार अफसोस होता है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। मतलब? अरे नहीं सीता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीता तू ऐसा कैसे बोल सकती हो? तू तो जानती है कि राजेश मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तेरे साथ होटल में रात गुजारने के लिए मैं नहीं आ सकता। नहीं नहीं, राजेश के साथ ये दगाबाजी है, वो मैं नहीं कर सकता। खरेखर विश्वासघात होता है ये, और शादी के बाद भी तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। राजेश, हद कर दी तुमने, मेरी इज्जत को उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजेश, रविदास के साथ बैठी तो आपकी इज्जत चली गई, आपके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ रहता है? मैं आपकी बीवी हूँ राजेश, नौकरानी नहीं। इसीलिए तो यहाँ वहाँ भटकने निकल जाती है। मैंने किसी शादीशुदा को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा, मुझे क्या पता कि तुझे रंगरेलिया के अलावा और कुछ नहीं आता। बस करो राजेश, कुछ भी बोलने से पहले मुझे समझने की कोशिश करो। समझ गया और देख भी लिया। अरे तुझ में पत्नी बनने की औकात नहीं है। तो क्यों शादी की मुझसे? मुझे पता नहीं था कि कोमल फूल के पीछे कांटे भरे हुए। राजेश, सिर्फ शादी करने से पति पत्नी नहीं बन जाते, एक दूसरे के लिए समझदारी भी होनी चाहिए। तूने कभी सीता की बात सुनी है? अंकु, तुझे बीच में दलील करने की जरूरत नहीं है। राजेश तुम्हारा बेटा है, दुश्मन नहीं है। आज तो दुश्मन भी ना करे ऐसा व्यवहार किया है राजेश ने। तू है इसलिए यहाँ पे पड़ी है, तेरी जगह मैं होती तो कब की बाप के घर चली जाती। मैं वही करूँगी माँ, राजेश को दिखा दूंगी कि मेरे पिताजी के लिए मैं बोझ नहीं बनूंगी। नहीं सीता नहीं, इस तरह तो दोनों घर की इज्जत चली जाएगी। संसार में पति पत्नी के बीच अनबन होती रहती है, पर इससे पति का घर नहीं छोड़ते। जिस घर में पत्नी का कोई स्थान न हो वो पत्नी का घर नहीं पर वो जेल कहलाता है, और हमारे खानदान में किसी की जेल में रहने की आदत नहीं है। राजेश, मैं जा रही हूँ। जा जा, तुझे यहाँ कोई नहीं रोकेगा, और जिस दिन पति को समझ जाएगी तब कभी भी आ जाना, दरवाजा खुला है। तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम आओगे, मैं सोचूंगी, आने जैसा लगा तो ही आऊंगी, नहीं तो। सीता, जाने दो बाबूजी। अरे जिस तरह से जा रही है वैसे वापस भी आ जाएगी। क्यों बेटा, अचानक चली आई? ऐसे ही, राजेश के साथ थोड़ी अनबन हो गई है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ऐसे नाराज होके नहीं आना। उसे तो बोलने की भी सेंस नहीं है पापा। तुझे क्या कहा, अब सब कहा, निकाल दिया? अरे वो क्या निकाल देगा, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है पापा, शंका करने की भी कोई हद होती है। मैं रविराज के साथ बात करने बैठ गई, उतने में तो दुनिया भर का भाषण सुना दिया। जो बेटा, पति पत्नी संसार के ऐसे दो पहिए हैं, दोनों एक समान हो तो ही सुखी संसार की गाड़ी चलती है, और कोई भी पुरुष खुद के एब्सेंस में खुद की बीवी को दूसरे के साथ बात करता नहीं देख सकता। मतलब आप भी मुझे ही ब्लेम कर रहे हो, राजेश की साइड ले रहे हो? ऐसी बात नहीं है बेटा, राजेश एक राम जैसा आदर्श और संस्कारी बेटा है, वो भले उम्र में छोटा हो मगर समझदारी उसमें बहुत ज्यादा है। मतलब मुझे पूरी जिंदगी घर की चार दीवार में रहकर राजेश के भाषण ही सुनने पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, चल मैं तुझे छोड़ देता। मैं नहीं जाऊंगी पापा, उसको मेरी जरूरत होगी तो वो आएगा लेने। वो क्यों तुझे लेने आएगा, उसने तुझे घर से नहीं निकाला, तू घर छोड़ के चली आई है। याद रख, भविष्य में कोई भी दिन इस तरह खुद का घर छोड़ के चले नहीं आना, यहाँ आना हो तो राजेश को साथ में लेकर आना, समझी? ठीक है पापा। मेरी लाडली बच्ची, नाराज हो गई? चल चल। थैंक यू, मतलब आभार। कौन सी भाषा में आभार कह रहे हो? जिस भाषा में तो आज कैप लेके आई वही भाषा में। आज से हर रोज मैं ही कैप दूंगी, साथ साथ दुआएं भी। कितने दिनों तक ये ड्यूटी निभाओगी? जब तक आप इंस्पेक्टर की नौकरी करोगे तब तक। अब गाड़ी लाइन पे आ गई, मगर देखना गाड़ी फिर से कहीं लाइन से उतर ना जाए। ख्याल रखने का प्रयत्न करूंगा, मैं जाता हूँ। राजेश, आप कुछ भूल रहे हो। भूल गया? हाँ। एक बात कहूँ?
हम दोनों इतने करीब हैं, फिर भी तू मेरे से कोई बात छुपाता क्यों है? किस लिए? मैंने कौन सी बात छुपाई यार? ऐसा? हाँ? उस दिन तू कह रहा था कि सीता भाभी शादी के बाद भी तेरे साथ, मतलब तू कहना क्या चाहता है? सच कहूं, कदाच उन दोनों के झगड़े का कारण मैं ही होऊंगा। मैंने सीता को वचन दिया है यार कि उसके आने वाले बच्चे को राजेश से ज्यादा मैं प्यार करूंगा। व्हाट? समझ गया क्या? सीता के पेट में रविराज का बच्चा? सीता ऐसी घटिया लड़की है? छी छी छी, क्या जमाना आया है माँ। ये तो बड़े भाई ऐसे हैं कि सीता भाभी को अभी तक घर में रखा है। मैं होता तो कब का निकाल देता। चलो खाना परोस देती हूँ। क्या हुआ राजेश, तबीयत खराब है क्या? रविराज के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? ओह समझ गई, तो उसमें मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? पेट में पाप रखने से अच्छा आपका इरादा क्या है वो बता दीजिए ना। अरे पेट में पाप रख के तो तू बोल रही है राजेश। नाटक करना बंद कर सीता। सत्य को मुंह पे लाने के लिए कितनी तकलीफ होती है? क्यों ऐसे कड़वे शब्द बोलने से पहले तुम्हारी जीभ कपती क्यों नहीं है? यही ना। अरे पर पुरुष के साथ संबंध रख के तुम मेरी जिंदगी क्यों बिगाड़ रही हो? अरे क्या बिगाड़ा है मैंने राजेश? तुमने मुझ पर शंका की? ऐसी शंका का जहर पीने से अच्छा मैं आपका घर छोड़ने का ज्यादा पसंद करूंगी राजेश। मतलब ठीक है तुझे जो करना कर, जाना हो तो तेरी इच्छा, रुकना हो तो तेरी मर्जी। तो मैं जा रही हूँ राजेश। हाँ सतयुग के राम ने क्यों छोड़।
आज कोई पापी मुर्गा। सलाम साहब। अरे अरे मेरी है साहब, मेरी है। हाँ मेरी है। ये वीआईपी बैग तुम्हारी है? मेरी है साहब। किसकी है बोल? मेरी है। किसकी है बोल? मेरी है साहब। बोल कहाँ से चुराई, कहाँ से चुराई? वो बहन की साहब। वो बहन की चोरी की? हाँ। चल चल बैग लेके चल बहन के पास, अकेली औरतों की बैग चुरा के भागता है, चल। अरे सीता भाभी आप, अबे रुक साले चोर की औलाद, आप चलो घर पे। अरे मैं अपने घर पे ले जाने की बात कर रहा हूँ। नहीं भैया मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। अभी आपका रास्ता एक ही और है मेरा घर, ना आओ तो आपको इस भाई की कसम है। चलो मेरी बहन, चलो मेरी भाभी माँ, चलो चलो। अरे ये लो चाय। हाँ। लो भाभी ये चाय पी लो, फिर मैं आपको आपके घर पे छोड़ आता हूँ। नहीं मेरा अब कोई घर नहीं है, मैं यहाँ से भी जाना चाहती हूँ। पर ऐसा तो क्या हो गया भैया? आज मेरे सर पे बहुत ही बड़ा बोझ है, आज मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूँ। ठीक है तो मैं कुछ नहीं पूछूंगा, पर आपको यहाँ से तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये आपका ही घर है। अरे ये आपके भाई का घर समझ लो ना। मगर मैं यहाँ पे नहीं रह सकूंगी, क्योंकि आप उन लोगों को बिना बताए रह नहीं पाओगे, और अब तो मैं उन लोगों को मिलना भी नहीं चाहती। इतना ही है ना, तो आपकी खुशी की खातिर मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, हमेशा के लिए अपनी जबान बंद रखूंगा, बस। लो चाय पी लो, किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरा वचन है। हाँ पी लीजिए। क्या बात है खान, आजकल मैंने सुना है बहुत बिजी रहता है, दिखता नहीं है। हाँ आजकल पुराने धंधे छोड़ दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे जानता है कौन? सीता भाभी ये तो मशहूर डांसर थी, तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध? तो यार तेरा मतलब रखना, इसकी खबर देगा तो पैसा मिलेगा, दारू वारू का धंधा करना होगा तो आ जाना मेरे साथ। 420 किसे कह रहा है? अरे भाई मैं तो पान का ऑर्डर दे रहा हूँ, 2 पान 300 जर्दा 120 तंबाकू। अच्छा तो ठीक है, बाकी मेरे को कुछ बोला ना तो लग जाएगा। मैं किसी को भी कुछ भी बोलता ही नहीं हूँ, और उसमें भी बेकार को तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ। खान ये क्या पूछ रहा था? क्या पता, सीता भाभी का एड्रेस पूछ रहा था। तेरे पास से सीता का एड्रेस क्यों पूछ रहा था? अरे ये तो इस खान के पास पूरे शहर का पता रहता है इसलिए। मैंने तो शहर का कोना कोना छान मारा, पता नहीं सीता कहाँ होगी। मुझे भगवान पे भरोसा है, सीता भाभी जहाँ पे भी होगी ना वहाँ आनंद में रहेगी, खुश रहेगी और बिल्कुल प्यार से रहती होगी, तुम चिंता मत करो। चलो ड्यूटी पे। हाँ चलो। लो तैयार है। मिस्टर राजेश आज मैंने आपको इसीलिए यहाँ बुलाया, मैं जानना चाहता हूँ कि नकली दवाइयों का केस का फाइल जो तुम्हें दिया था उसमें अभी तक प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई? आप जानते हो मिस्टर राजेश आपको फाइल देके पूरे 3 महीने हो गए। सर इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आई एम वेरी सॉरी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यह छानबीन जल्द से जल्द पूरी हो जाए। यह दिलगिरी व्यक्त करने का तुम कोई कारण दे सकते हो? खैर यह तुम्हारा पर्सनल मामला है, पर मैं जानता हूँ राजेश, आई नो माई बॉय, मुझे पता है कि सीता रूट के घर छोड़ के चली गई। पर सर ये बात आपको कैसे पता चली? जमुना दास ने की। तेरा ससुर होगा पर मेरा तो वो पुराना मित्र है। यस सर। राजेश मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, और इसीलिए अभी मैं तुम्हें 1 महीने की और मुद्दत दूंगा। ओके थैंक यू सर।
थैंक यू वेरी मच, गुड लक। राजेश, आजकल तू उदास दिखता है। तेरे घर आने का और खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। सीता की चिंता में तो दिन ब दिन सुखता जा रहा है। उससे भी ज्यादा जवाबदारी आ गई है बाबूजी। क्या तकलीफ है? मुझे तो क्या, मैं तेरी मुश्किलें का भागीदार बन सकूं? मेरा बोझ कोई हल्का नहीं कर सकता, अब भी नहीं। एक ऐसे केस की फाइल मेरे हाथ में आई है जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। राजीव, मुझे विश्वास है कि गुनहगार को तू जरूर पकड़ लेगा, जरूर कामयाब होगा। बाबूजी, मेरा तुझे आशीर्वाद है। विजय साहब यहीं रहते हैं क्या? बात है, मैं ये कलर वीडियो प्लेयर लाया हूँ। कलर वीडियो प्लेयर? पर हमने कोई कलर वीडियो बुक नहीं करवाया, तुम गलत पते पे आ गए। ये वीडियो यहाँ बाहर क्यों रखा है? वहाँ उस कोने में फिट कर दे, जा। हाँ, फिट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। जाओ 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 जाओ। विजय, तू बिजनेस क्या करता है? इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे धंधे के बारे में तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। विजय, तू गलत धंधा तो नहीं कर रहा है ना? वरना तेरे ऊपर। राजेश, विजय की तरक्की लगता है तुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए तू। ऐसा नहीं है माँ, विजय कोई गलत रास्ते पे ना चला जाए इसका डर है। बेटा विजय, राजू की बात सही हुई तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। अपने खानदान में किसी ने गैर कानूनी काम नहीं किए हैं बेटा, हमें ये नहीं शोभेगा। मेरी चिंता मत करो पिताजी, मुझे मेरी जवाबदारी का पूरे पूरा होश है। बेटे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया और इतना सारा। डैडी, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर मेरा पूरा प्लान सफल होने के बाद समझ जाओगे। हाँ, पर तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मेरी दवा की एजेंसी, उसे देने का विचार है। चलो ठीक है। अभी तो पत्ता बिछाने की शुरुआत है और बाजी मेरे हाथ में है, फिर बाद में पता चलेगा कि हुक्म का पाना किसके पास है। तो तुम्हारी कंपनी भी ये दवा बनाती है? जी हाँ, जो आपकी कंपनी की बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध दवा है। तो तुम भी गुणवत्ता में इजाफा करो तो कदाच तुम्हारी दवा भी ज्यादा बिके। यू आर राइट अंकल, पर आपकी कंपनी भी पुरानी और अनुभवी है, इसलिए लेबल तुम्हारी कंपनी का लगेगा और दवा हमारी कंपनी बनाएगी। अरे आओ बेटा, बैठो। हेलो हेलो। चलो अंकल मैं जाऊं। राजेश, सीता तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाए, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। हे माँ, ये तूने अपने बेटे की बीवी को सौंपने के लिए देने वाली ये अमानत आज गिरवी रख रहा हूँ, पर मैं कोई मौसोक करने के लिए नहीं रख रहा हूँ माँ, पर एक निराधार स्त्री के बुरे वक्त में काम आने के लिए इसको गिरवी रख रहा हूँ। मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना माँ। भैया, मेरी वजह से आप अपनी माँ की आखिरी निशानी को बेचना मत। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, कुदरत मुझे कभी माफ नहीं करेगी। बोलती हो भाभी, एक माँ का बेटा एक माँ बनने वाली लाचार स्त्री के समय में माँ की प्यारी चीज गिरवी रखे तो कोई भी माँ नाराज नहीं होगी। माँ तो माँ होने वाली स्त्री के लिए हमेशा राजी होती है। बात सही है, मगर आपकी नौकरी चली गई फिर भी आपने अब तक मुझे सहारा दिया है। अब मैं अपना बोझ आप पे लादने से अच्छा यहाँ से चली जाऊंगी। भाभी, आप यहाँ से रजा लोगी ना तो मैं ही ये दुनिया से रजा ले लूंगा। हाँ? आप यहाँ से जाओगी ना तो मुझे मरा हुआ देखोगी। नहीं भैया नहीं, इस अभागन के लिए आप ऐसा पाप मत करना, मैं यही रहूंगी। हाँ तो ठीक है, मैं आपके इस प्रसंग के लिए सारी व्यवस्था करके आता हूँ। हाँ? लक्ष्मण राव सर, जो दवा में लाया था उसकी रिपोर्ट लैब से आ गई है। आ जाएगी, पर सर मुझे शंका है कि वो दवा नकली है। साहब, यह रिपोर्ट लैब की। हाँ। रिपोर्ट
रिपोर्ट पॉजिटिव है। दवाइयाँ असली है, ये नकली दवाइयाँ कहाँ बन रही है? लो अंकल, ये एग्रीमेंट पढ़ लो। तेरे पापा के संबंध के हिसाब से मैं ये डील करता हूँ, बाकी दूसरे कंपनी की दवा मेरी कंपनी में नहीं बिकती है। क्वालिटी ऐसी बनाई है अंकल कि आपकी दवाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं वचन देता हूँ तेरी कंपनी बहुत तरक्की करे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। थैंक यू अंकल, मैं जाऊँ। ओके। रविराज क्या चल रहा है? बाप दादाओं का धंधा है और तेरे ससुर जी का सपोर्ट है, तेरी फिक्र काहे की? तू बहुत भाग्यशाली हो गया ऐसा लगता है। हाँ, तेरे जैसे मित्रों की शुभेच्छा हो तो तरक्की क्यों ना हो। तू भी मेरे लायक कोई काम होगा तो कहना, संकोच नहीं करना। एक दिन जरूर कहूंगा, मात्र समय का इंतजार कर रहा हूँ। चलो फिर मिलेंगे। मिलते हैं। आओ बेटा बैठो। कैसे हो? अच्छा, अभी रविराज से ही बात कर रहा था, वो यहाँ आए दिन क्यों आ रहा? अब ये मेरे बिजनेस में पार्टनर है, ध्यान रखना कोई दगा फटका ना दे दे। उसके पिताजी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। आप जानते हो, सीता को चढ़ाने में उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मैं रविराज को अच्छे से जानता हूँ। मतलब ये के मतलब के कभी ऐसा ना हो कि आप तकलीफ में आ जाओ और आपकी धड़ पकड़ करने के लिए मुझे ही आना पड़े। आना और अकेला, आसपास में मेरी इज्जत है। बस आसपास में ही। दूध का पाउडर, दूध की बोतल का बुच, बच्चे का कपड़ा, झूला और ए बाप। अरे सेवाराम तू। हाँ मैं। आज तक तो तू मुझे दोस्त कह रहा था। हाँ। और आज बाप? हाँ वही, तू बाप हो गया है। हाँ मेरा नहीं, तेरे बेटे का। तुझे पता है, सीता भाभी ने जयश्री भाई किरण सेठ श्री कॉफी वाला प्रस्तुति ग्रह के अंदर तेरे बेटे को जन्म दिया है। जाके भाभी का और उस बच्चे का मुंह देख। मैं सीता के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? स्वाभिमान इंसान किसी के पास से भी अपमान एक ही बार सहन करता है, दूसरी बार नहीं सेवाराम, दूसरी बार नहीं। अरे पागल, पति पत्नी का जीवन तो प्लस माइनस और छोटी छोटी बातें झलते ही रहते। एक दूसरे की ओर से सम्मान का प्लस करो और एक दूसरे की ओर से मिलता हुआ अपमान का माइनस करो तो जीवन सुखी। और आपके जिंदगी का हिसाब तो अभी 2 से 3 हो गया है, समझ गए? जाके सीता भाभी की तबीयत पूछ और तेरे बेटे का मुंह देख। अरे तेरा बेटा भी क्या हुआ है, आते ही समय ये सेवाराम काका को काम पे लगा दिया है। ये दूध की बोतल, दूध का पाउडर, बच्चे का कपड़ा, घोड़िया। ये घोड़िया मतलब नहीं, तुझे नहीं पता चलेगा। मुझे ही नहीं पता तो तुझे कहाँ से पता चलेगा? बचपन में सब याद था लेकिन अब सब भूल गया हूँ। याद यही रखना है कि दूध का पाउडर, दूध की बोतल। मुबारक हो सीता, भगवान ने हमें बेटा दिया है। उसमें आपका क्या लेना देना है? ये कहाँ आपका खून है? सीता, आखिर में मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे मन में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं यहाँ तक क्यों आता? समाज में अपनी इज्जत रखने के लिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए ही आए होंगे, हमारे माँ बेटे की खैरियत पूछने के लिए नहीं। मेरे प्यार का इस तरह से अपमान मत करो। सीता, तुम्हारी हालत ये मुझसे दिखी नहीं जा रही है, नहीं दिखी जा रही है। आपको सच में मुझसे इतना प्यार होता तो शायद ऐसे दिन देखने की मेरे को नौबत नहीं आती। शायद मैं अपना सीना चीर के दिखा सकता कि मैं कितना सच्चा हूँ। सच्चा सीता, जिद छोड़ दे सीता और चल मेरे साथ।
वहां आकर अपमानित शब्द सुनने से अच्छा मैं अकेले अपनी इस नई दुनिया के साथ रहना ज्यादा पसंद करूंगी। मेहरबानी करके आप मत आओ, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। तुम्हारे लिए इस तरह से बोलना कितना आसान है, पर तुम्हारे शब्द इस तरह से दिल में चुभ रहे कि तुम्हें नहीं बता सकता। आपको दिल हो तब ना, पत्थर दिल को कहां कुछ पता होता है कि मुसीबत के काले बादलों में स्त्री का क्या हाल होता है। इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज तो आप मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो ऐसा लगता है। आप यहाँ से जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है सीता, तेरी और तेरे बेटे की खुशी की खातिर मुझे ये भी मंजूर है। मंजूर है। Thank you.
पर ये बिरहा सुलझती नहीं, आंसू की धारा आंसू की धारा आंसू की धारा जानू न क्यों रुकती नहीं। जुदाई अब है प्रभु जी मेरे सही नहीं जाती, कैसा है? ठीक है। आज इस तरफ छानबीन के लिए आया था। इन्वेस्टिगेशन? हाँ, नकली दवाई से एक आदमी मर गया। तू कैसा है, क्या चल रहा है? मजे में, मजे में। पर आजकल तू मेरे आदमियों के पीछे पड़ गया है, सुना है दो चार को पकड़ भी लिया है। तेरे आदमी? हुँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ये लोग तेरे आदमी? हाँ। पर ये लोग तो पुराने गुनहगार है, पुलिस इसे कब से ढूंढ रही है। क्या बात करते हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। संभाल के रहना, किसी दिन इनके चक्कर में तू मुसीबत में ना आ जाए। अब मैं पुलिस की तरह रिकॉर्ड देखकर तो लोगों को रखता नहीं हूँ। अब पुलिस सबूत के बिना कुछ कर नहीं पाएगी और मेरे खिलाफ पुलिस को कोई सबूत मिलेगा नहीं। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपने आप को सबसे ज्यादा शाना समझता है। हा? पर मैं तो दोस्ती में कहता हूँ यार, चल चल देंगे, चल मैं चलता हूँ, बाय सेवाराम। सेवाराम, सेवाराम। अरे पर रुक तो सही। बीड़ी फेंक। अरे अभी तो जलाई है यार। बीड़ी फेंक। अरे पर अभी जलाई। फेंक कहता हूँ। हो हो हो, एकदम खड़क आदमी है। वो लंबू चोर के पास तू क्या गया था? हाँ गया था ना। तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं? पर उस आके पड़ोसी ने बोला कि उसने घर बदली कर दिया है। अभी चोर के घर तो बदलते ही रहते हैं ना। तेरी बात सच है। तुम पुलिस हो कि पोस्टमैन, उसका पीछा करके उसका पता लगाओ। अरे पर मेरे पास दूसरे भी काम है ना। कल ढेबर कॉलोनी के चार बेवड़े भाग गए। हाँ बोलो, भाग गए, बहुत पिए हुए थे। उसका जमीन हाजिर क्यों नहीं हुआ? वहाँ गए थे? गया था ना, पर उसका जमीन खाना खाने गया था। ऐसा? हाँ। फिर से गए थे? हाँ फिर से गया था, तब वो मार्केट गया थे। फिर वापस? और उसके बाद में फिर से उसके वहाँ गया तो उसके घर वालों ने कहा कि उसे जुलाब हो गया, और फिर जितनी जितनी बार गए उतनी बार उसको जुलाब होते गए। पता नहीं खाने में क्या खा के आए थे। सही कहूँ तो जमीन को ऐसा खाना खाना ही नहीं चाहिए। हाँ। अजंता सिनेमा के काले बाजारियों को पकड़ा। अरे उसको पकड़ने के लिए तो मैं साइकिल पे एकदम स्पीड में जा रहा था, पर रास्ते में पंचर हो गया। फिर मैं सिनेमा के पास पहुंचा, तब तक काला बाजारियों ने सारी टिकटें बेच डाली थी, और अब बिना टिकट के अपन किसी काला बाजारी को कैसे पकड़ सकते हैं? हम भी पुलिस है। बच्चे के जन्म से पहले के मन में जो टेंशन था उसी की असर इस बच्चे पर है। अब क्या होगा डॉक्टर? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बहन, मैं आपको 15 दिन की दवाई लिख कर देता हूँ, वो आप बाजार से मंगवा लेना। आपकी फीस डॉक्टर साहब? मेरी फीस की चिंता नहीं करो बहन, पहले दवाई मंगवा लो। आओ सीता बहन, क्यों आज रास्ता भूल गए? आप कहते थे ना मैं कभी भी आ सकती हूँ प्रोग्राम के लिए आपके पास। तो आप क्या मेरे लिए प्रोग्राम करेंगी? हाँ मैं करूँगी। अच्छा। बोलिए पैसे कितने मिलेंगे? अच्छा आप भैया एक काम करो, 2000 रुपए रखो, फिर हम हिसाब कर लेंगे। चलेगा।
क्या चल रहा है राजेश? आजकल सुना है बहुत कड़की चल रही है। क्यों, मेरे घर से कौन तेरे पास भीख मांगने आया? नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये तो सीता भाभी आजकल सरकारी कॉलोनी में और वो भी सिर्फ 200 रुपए के किराए पर रह रही है, इसलिए यार थोड़ा दिल में तो लगेगा ना। तू मेरे जख्म पे कितना भी नमक डालेगा तो भी मेरा अंग अंग नहीं फरकेगा दोस्त। वाह, मतदान भी कहेंगे। अरे यार मैं तो दोस्ती में कह रहा था, तुझे बुरा लग गया। दोस्ती? अरे दोस्ती के नाम पे तू बदला लेने निकला है दोस्त, पर तू मेरा टूटा हुआ बाल भी नहीं उठा पाएगा। तूने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है, पर दोस्त जिस दिन तू मेरे हाथ लगा ना उस दिन हमारी मुलाकात तो नहीं पर तेरी जिंदगी का भी आखिरी दिन होगा, ये तू याद रखना। मैंने बहुत बार सुना था कि कायर लोग हमेशा ऐसी ही बात करते हैं, मैं तुझे देख लूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पर आज पहली बार नजर से देख रहा हूँ तू तेरी बहादुरी की बात करके अपनी असलियत जाहिर कर रहा है। क्या कर लेगा हाँ? राजेश थैंक यू, आज तूने वर्दी पहनकर मुझे थप्पड़ मारा है, पर इतना याद रखना कि आज तूने मौत को निमंत्रण दिया है। रविराज अभी मुझे ड्यूटी पे जाना है इसलिए अपनी वर्दी नहीं उतार सकता हूं। फिर भी इतना याद रखना, पर जब भी मैं अपना हिसाब किताब चुकते करने आऊंगा तब मैं अपनी वर्दी उतार के आऊंगा। उस आदमी की जो मौत हुई वो आपघात था या अकस्मात? ना अकस्मात ना आपघात, जो दवा उसने जीवन के लिए ली वही दवा उसकी मौत का कारण बन गई। मतलब फिर से एक बार नकली दवा? अभी कुछ करना ही पड़ेगा लक्ष्मण राव, वैसे भी अभी मेरी फाइल का काम पूरा होने आया है, वो व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे भगवान। अरे ये तो मेरी माँ के कंगन है, गिरवी रखे थे वो। हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, अभी तो आप अच्छे आदमी बन गए हो ना, बचपन में वो मक्खन चोरने की आदत थी वैसे ही ये चोरी करके तो नहीं लाए ना कंगन? और यदि चोरी करके लाए हो ना तो मुझे बोल देना, अपना तो चोर पुलिस का संबंध है, आप मक्खन चोर और मैं पुलिस, अपनी दोस्ती के लिए ये चोरी का असली माल उस मारवाड़ी के पास वापस रख के आता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ भगवान, मेरे से ब्याज के साथ पैसे चुकाए बगैर ये कंगन नहीं रख सकता, मैं नहीं रख सकता हूँ भगवान। बोलो प्रभु, बोलो प्रभु, बोलो ना प्रभु। पैसे ब्याज चुका के ही लेकर आई हूँ भैया। अरे भगवान, आपकी आवाज मेरी सीता बहन जैसा कैसे हो गई? आपकी सीता बहन ही बोल रही है भैया। बहन, अरे पर तो ये लाई किस लिए? मेरी भाभी के लिए, मतलब कि आपकी बीवी के लिए। तेरी भाभी तो इस घर में तब आएगी जब मैं तुझे तेरे घर में सुखी देखूं। मेरे दुख का अंत कभी नहीं होगा, तब तक मैं सुखी कैसे होंगी? तेरे दुख का अंत बोल बहन, मैं पुलिस हूँ, तुरंत पकड़ लूंगा। किस किस का नाम लूं भैया? अरे आरोपी नहीं मिल रहे तो शक वाले का नाम बोल, बोल किसके ऊपर शक है? दोस्ती का नाम लेकर मुझ पर कलंक का कीचड़ उछालने वाले, विजय भाई और राजेश का कान भरने वाले, अगर मिल जाए तो ढूंढ निकालिए। ओहो, तब तो मुझे अभी विजय कुमार की पूरी कुंडली ढूंढनी पड़ेगी, और वो भी पुलिस शास्त्र के गणित के हिसाब से। कोई बात नहीं, आज से उसके गहरे ग्रह की गिनती शुरू कर देता हूँ, मैं विजय भाई के पीछे ही पड़ जाऊंगा।
इसी शहर की किसी कंपनी में नकली दवाइयाँ बन रही है। यही मेरा मानना है। आप लोग इस प्रकार की बनती हुई तमाम दवाइयों के सैंपल लेके आओ और लैब में चेक करवाओ। मैंने लक्ष्मण राव को वहाँ पे भेजा है सर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जो दवाई इस व्यक्ति के पास मिली थी वो शेठ जमुनादास की कंपनी की। क्या लक्ष्मण राव, आप क्या बोल रहे हो, आपको इसका पता है? आई एम वेरी सॉरी सर, पर वो दवा शेठ जमुनादास की कंपनी की ही थी। बेटे राजेश, मैं जानता हूँ कि जमुनादास जैसा ईमानदार इंसान ऐसा काम नहीं करेगा, पर बेटे जब मिस्टर राव ऐसे सबूत लेके आएगा तब हमें हमारी फर्ज निभाने के लिए संबंध, लगाव, दोस्ती सभी को भूल के कानून के साथ चलना होगा। बेटा मिस्टर राव, आप जाके मेरे हुक्म का इंतजार करो। यस सर। पर साहब, जिस आदमी ने अपनी एक लौती बेटी को समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका साथ नहीं दिया, ऐसा इंसान किसी का गला कैसे घोट सकता है? बेटा राजेश, ये सारी बात तो मैं समझने के लिए बेचैन हूँ। जमुनादास तेरा ससुर है तो मेरा भी दोस्त है बेटे, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। पर बेटे, फर्ज के रास्ते पे ना कोई रिश्ता आता है और ना ही कोई दोस्ती। इंस्पेक्टर राजेश, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि पुलिस टीम को वारंट के साथ लेके जाओ और जमुनादास की धरपकड़ करो। एक्सक्यूज मी सर, पुलिस फोर्स को लेके स्मगलर, गुंडा या खूनी के घर पे जाते हैं, पर ऐसे आदमी के घर नहीं। मैं सेठ जमुनादास को अरेस्ट करने के लिए जरूर जाऊंगा वारंट साथ में लेके, पर मेरे साथ कोई पुलिस फोर्स या PSI नहीं आएगा सर। ठीक है, मुझे तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी पे भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला जाने दे रहा हूँ, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हाँ बेटा आओ बैठो, बहुत दिनों बाद आए। तू भी मुझसे नाराज है क्या? अरे बैठ बेटा। आज मैं आपके दामाद की हैसियत से नहीं, एक इंस्पेक्टर की हैसियत से आया हूँ। इंस्पेक्टर की हैसियत से? हाँ पिताजी, उस दिन की आपकी वो मजाक आज मेरे लिए सच बन गई। मतलब तू कहना क्या चाहता है? कि आपकी कंपनियों में जो दवाइयाँ बन रही है वो नकली है। वो झूठ है, उससे एक की मौत भी हुई है बाबूजी। It's impossible. मेरी कंपनी एक रेपुटेड कंपनी है, टेंडर वाली कंपनी है। मैं समझ सकता हूँ बाबूजी, पर पुलिस के पास आपके खिलाफ सारे सबूत है। नहीं, गलत है, कतई गलत है, मैं ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। आई एम सॉरी बाबूजी, कानून ने मेरे हाथ में फर्ज की हथकड़ियाँ डाल दी है, मेरे हाथ बांध दिए, मैं लाचार हो गया हूँ बाबूजी। ये आपका अरेस्ट वारंट है सर। इंस्पेक्टर राजेश, सत्य को साबित करने की खातिर मुझे 2 मिनट का समय दोगे प्लीज? ठीक है, थैंक यू। राजेश भाई, पापा जी को कुछ हो गया है क्या? हाँ बहन, तुम्हें तुम्हारे घर पे जाना पड़ेगा। मगर पापा ने अकेले आने के लिए मना किया है। हाँ, पर वही आज ना बोलने वाला इंसान दुनिया में ना रहा तो। भैया। हाँ बहन, मार्केट में बिकने वाली नकली दवाइयाँ अपने कंपनी की नहीं है ये साबित करने के लिए वो नकली दवा उन्होंने खुद ही पी ली और खुद ही चले गए, दूसरों के कर्मों की सजा उन्हें मिली। Thank you.
आज मुझे बहुत दुख हुआ है। कुदरत पिताजी को स्वर्ग में जगह देगी और शांति देगी और उसकी कमी सहन करने की तुम्हें शक्ति देगी। मुझे क्या पता कि मेरा काम और मेरा फर्ज पिताजी के मौत का संदेशा लेके आए थे। मेरा बदला मेरे पापा से लिया। गुनहगार की अंधेरी गलियों में एक परोपकारी मेरे पापा ही आपको दिखे। राजेश ऐसे अच्छे इंसान के पर ऐसा संगीन आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? एक बेटा अपने बाप की धड़ पकड़ करने में जितना संकोचता है, उससे ज्यादा संकोच मुझे हुआ था। पर मेरी कमना से भी लाचारी और फर्ज के रास्ते पे मुझे लेके गई थी। मेरे प्यार की सीढ़ियों पे आप एक खंडर बना रहे थे, उसका मुझे आज पता चला। एक करोड़पति बाप की लाडली बेटी को उसको निराधार करते हुए आपके दोनों हाथ क्यों नहीं कांपे? पर अगर अभी तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं करोगी सीता, तो शायद तुम्हारे ये खंडर सुखी संसार का महल बनाने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा और तो मेरे टूटे हुए दिल के टुकड़े भी चकनाचूर हो जाएंगे। सीते वहां तक आने के मेरी हिम्मत के पैर अपंग हो गए हैं। मुझे लगता है बॉस कि अब राजेश का पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। हो जाएगा? हो गया। पर आपकी दुश्मनी का कारण समझ में नहीं आया बॉस। गधा गंगा में नहाने से घोड़ा नहीं बन जाता, समझाता हूँ। सीता के साथ मेरी शादी ना हो सकी, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो स्त्री की खातिर ये सब हुआ है। इसमें नई बात क्या है? द्रौपदी ना होती तो महाभारत का युद्ध होता न होता, सीता ना होती तो राम रावण का युद्ध होता नहीं होता। हाँ सही बात है। जर जमीन और जोरू, तीनों झगड़े की जड़। ये दवा दीजिए। 6 रुपए 75 पैसे। दुकान में से कोई दवा ले गया है? वो देखो एक बहन लेके जा रही है। कौन? विजय, ये नकली दवा है भाभी। हम लोग जिए या मरे उसमें आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर अब बहुत फर्क पड़ता है भाभी। कौवे के मुंह में राम का नाम? आपके इस ड्रामा में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। पर मुझे आज सब कुछ समझ में आ गया है। अपने खानदान की बर्बादी का एक ही कारण है, रविराज। रविराज? हाँ रविराज। भाभी अब तक मुझे ये लग रहा था कि मेरा दोस्त बनकर मुझे महफिल में दारू पिला रहा है, पर आज मुझे सच्ची हकीकत का पता चला है कि वो मेरा दुश्मन बनके
मुझे जहर पिला रहा था। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है, मगर मेरी बात सुनने की किसको फुर्सत थी। मुझे तो उसने बर्बाद कर दिया। नकली दवाई की एजेंसी, वो दुकान मेरे नाम कर दी। पर मुझे आज ही पता चला भाभी कि वो दुकान नहीं, मौत की खाई थी। उसी के कहने पर मैंने बड़े भाई को भड़काया था कि आपका और रविराज का संबंध है। मगर उस रास्ते ले जाने वाली आपकी खुद की माँ है। आपके भाई तो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। हाँ, पर अब कदाच बड़े भाई को मुझ पर पहले जैसी ममता ना हो। अब तक तो पुलिस ने मेरी दुकान पर ताला भी लगा दिया होगा, पर अफसोस नहीं है मुझे उस बात का। खुशी है मुझे इस बात की कि आज मैंने मेरे बेटे जैसे भतीजे की जान बचाई है। विजय भैया, दिल छोटा मत कीजिए। आज भले ही हम दोनों उनसे दूर है, मगर दिल से बहुत ही करीब है। आपके भाई में त्याग और समर्पण की जो भावना है, ऐसा किसी भी इंसान में आज तक नहीं देखा। वही आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। जाओ, देर मत करो, जल्दी जाओ। मैं जा रहा हूँ भाभी, और बड़े भाई को कहूंगा कि सीता भाभी निर्दोष है। मैं आई कमिंग सर। कमिंग सर, ये इंस्पेक्टर राजेश के भाई हैं। अच्छा, तो तुम हो विजय कुमार जिसकी दुकान पे आज रेड पड़ने वाली है। तुम जाओ इंस्पेक्टर। ओके सर, बैठो। हाँ तो विजय कुमार, आप ही नकली दवा का धंधा कर रहे हो ना? छी 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 छी, तुम राजेश के भाई हो? अरे ये धंधा करने से पहले इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा भाई एक ईमानदार और मेहनतू इंस्पेक्टर है। और मैं एक गुनहगार हूँ सर, मुझ पे विश्वास कीजिए। मुझे सही बात का पता चला तो मैं तुरंत यहाँ आया हूँ मेरे बड़े भाई से बात करने के लिए। पर कम नसीबी से वो आज ड्यूटी पर नहीं है, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ सर। मैं कुछ समझा नहीं। पर मैं समझा तो बहुत लेट समझा सर। मैं रविराज के फंदे में फंस गया हूँ सर। रविराज? हाँ साहब, रविराज। ये वही आदमी है जो नकली दवाओं का व्यापार करता है। वो वही इंसान है जिसने सेठ जमनादास को फंसाया। ये वही इंसान है जिसने हम भाई भाइयों के बीच में दीवार खड़ी की। ये वही इंसान है जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद होने के लिए बैठा है। साहब, असली गुनहगार रविराज है। ठीक है, तुम जा सकते हो, पर इतना याद रखना कि मैंने तुम पे विश्वास किया है सिर्फ राजेश के लिए। अब तुम शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। बाकी बात मैं राजेश के साथ बात कर लूंगा। यू कैन गो नाउ। थैंक यू। आपको पता है क्या हुआ है? उसने उसको ऐसा कहा कि माँ, हाँ। आज पहली बार मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने अपने पाँव पे खुद ही खुलाड़ी मार दी। बेटा, तू कहना क्या चाहता है? सीधे बात करो। शायद आप सुन नहीं सकोगी माँ, आज मेरे ही हाथ से विजय की धड़ पकड़ होने वाली है। मतलब विजय गैरकानूनी काम कर रहा है? हाँ बाबूजी, विजय नकली दवाइयाँ बेच रहा है। माँ की लाड़ के वजह से आज वो कितने ही बच्चों के जीवन को छीन रहा है। तू उसका बड़ा भाई किस काम का? विजय को तू बचा सकता है तो फिर उसको पकड़ने की क्या जरूरत है? माँ, मेरे बापू के संस्कार के साथ में कितने ईमानदारी के खून के छींटे मेरे अंदर दौड़ रहे कि इसी वजह से मैं अपनी फर्ज को नहीं भूल सकता हूँ। माँ, शायद अगर विजय मेरा सगा भाई होता तो भी मैं आपको बिना बताए उसे पकड़ सकता था। आखिर जिंदगी तूने राजेश को पराया ही समझा है, उस पर तूने ममता की छाया पड़नी पड़ने दी और अपने सगे बेटे को ममता का पानी पिलाने के बदले तूने उसका जीवन जहर कर दिया है। ठीक है बाबूजी, आप चिंता मत करो। खारे समुद्र में अमृत की आशा रखना ये एक मूर्खता है। देखना बेटा, विजय को कुछ हुआ ना। तूने हम बाप बेटे को कभी अपना नहीं समझा, पर मैंने विजय को भी इतना ही प्रेम दिया है जितना राजेश को दिया है।
मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक विजय का बाल भी भाका नहीं होने दूंगा। चिंता नहीं करना, मैं राजेश को समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। अच्छा हुआ राजेश तुम आ गए। फोन पे तू क्या बोला मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। आखिर में तुम्हारा प्लान क्या है? रविराज से मेरी पर्सनल दुश्मनी है, इसीलिए मैं उसे अकेले ही निपटना चाहता। परंतु वो कानून का भी दुश्मन है, अकेले हाथों से तुम उसे कैसे निपटोगे? खैर कानून तो तेरे साथ ही। मेरे पास पूरा प्लान है सर, मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है रविराज का अड्डा जहाँ अलग अलग नकली दवाइयाँ बन रही है। मैं उसे वही पकड़ना चाहता हूँ सर। हाँ विजय, कैसे हो दोस्त? दोस्त, शर्म आती है मुझे तुझे दोस्त कहने पर। अस्तिन का सांप है सांप रविराज, मेरे परिवार को बर्बाद करने निकला है ना तू, आज मैं तुझे बर्बाद करने आया हूँ। अच्छा तो फिर इंतजार क्यों कर रहा है? छोड़ मुझे, नहीं तो मैं तुझे मार दूँगा। डाल दो उसे गैस चैम्बर में। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर राजेश के साथ बात कर सकता हूँ? वो तो कमिश्नर ऑफिस गए हैं। उनको कहना कि रविराज का फोन था। रविराज, एक मिनट चालू रखना, आ गए लगता है। सर रविराज का फोन है। राजेश बोल रहा हूँ। तुम्हारा छोटा भाई और मेरा परम मित्र विजय भी इधर ही है। रविराज, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो। नहीं नहीं, नाराज क्यों होते हो भाई, अपनी तो पुरानी दोस्ती है ना। और अब एक दोस्त दूसरे दोस्त के मुसीबत में काम नहीं आएगा तो कब आएगा? और मुझे काम भी क्या है, एक छोटी मोटी दवाई की फाइल जो पुलिस के कब्जे में है, उसी तरह के जिस तरह विजय मेरे कब्जे में है। काम की बात करो। हो सकता है तू मेरी फाइल लेकर आ, मैं तेरे भाई को छोड़ देता हूँ। मैं आता हूँ रविराज। फाइल नहीं भूलना। थैंक यू। भाई तो आ गया, और वो भी फाइल लेकर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आना ही पड़ेगा, एक दोस्त दूसरे दोस्त को निमंत्रण देगा और दोस्त ना आए। सही बात है, पर आज मर्द में क्यों नहीं? कहा था ना दोस्त बन के आऊंगा, और फिर तेरी दोस्ती तो मेरे साथ है, वर्दी के साथ नहीं। मान गए दोस्त, तू जिगर वाला आदमी है। चल पहले फाइल दे। अरे देने के लिए ही तो आया हूँ, पर पहले विजय को छोड़ दो। छोड़ूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, पर पहला फाइल। एक काम कर, तू विजय को फ्री कर, और जब आधे रास्ते पहुंचेगा मैं तुझे फाइल दूंगा। भाई Thank you.
रविराज, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरा हिसाब किताब निपटाने में जरूर आऊंगा। आज तेरा सारा हिसाब किताब मैंने पूरा कर दिया। तू पकड़ा गया है हवालदार। रुक जा रविराज, जाना मत। पकड़ लो इसे। पकड़ लो सबको। चल चल विजय। सीता भाभी बिल्कुल निर्दोष है। ये सब रविराज के चाल थे जिसमें हम फंस गए। आपको समझने में मैं बहुत देर लगी। हो सके तो मुझे माफ करो। मुझे सब पता है। शाबाश बेटे, आखिर तूने पुलिस की नाक रख ली। सर, मैंने तो सिर्फ पुलिस का फर्ज निभाया। मास्टरमाइंड तो आप हो। सती सीता